नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो राहु और केतु का ट्रांजिट बदलने वाला है 17 अगस्त सन 2017 को, तो इन किन राशियों पे उसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में ये जो चार राशियां हैं इनके ऊपर बहुत ही उत्तम प्रभाव आने वाला है। इन चार राशियों को बहुत शुभ फल देगा राहु का जो ये गोचर में परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में क्या होता है, राहु महाराज जो हैं 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट केतु महाराज रहते हैं। तो राहु का जो गोचर है वृष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है, यानी इनके लिए वो खुशियां लाने वाला है। जिन भी लोगों के अब कन्या राशि या वृष राशि या तुला राशि या कुंभ राशि वाले लोगों में कहीं भी कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आए थे या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनका अच्छा समय अब आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं कि वृष राशि को क्या फायदा मिलेगा। दोस्तों वृष राशि के लोगों के लिए राहु का 3rd हाउस में जो गोचर आएगा, यानी उनका कम्युनिकेशन स्किल, वास्तव में क्या है, राहु जो है सडननेस का कारक होता है। कोई भी काम अचानक करवाना, पराक्रम बहुत वृद्धि होगी। आजकल क्योंकि ये कम्युनिकेशन का युग है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर होंगे तो उनको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, खुशी मिलने वाली है, पराक्रम बहुत बढ़िया हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर प्रकार के छोटे जितने ट्रेवल वो करेंगे, छोटे ट्रेवल से भी उनको बहुत अधिक लाभ मिलता चला जाएगा। इसके अलावा केतु क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर है, केतु क्योंकि मोक्ष का विकारक है तो भाग्य बहुत उत्तम साथ देगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पर क्योंकि थोड़ा सा दूरी बनाई रखी होती है हमने अपने जन्म स्थान से, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रेवल्स का भी है तो हल्का सा कई बार हमें फील होती है क्योंकि केतु से थोड़ी तड़प आती है, अपने फैमिली से हम थोड़ा दूर है तो इस प्रकार की छोटी मोटी फीलिंग आ सकती है। पर ओवरऑल बहुत हैप्पीनेस देगा, हर पॉइंट से इनके लिए बहुत ही उत्तम फल देता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा दूसरा जो फल मिलने वाला है, वो मिलने वाला है कन्या राशि के लोगों को। अब कन्या राशि के लोगों को क्या फल मिलेगा, क्योंकि उस राहु का जो गोचर है वो उनके 11th हाउस में आएगा, यानी राहु महाराज 4 नंबर राशि यहां पर आती है, राहु उनके 11th हाउस में आएगा, यानी जिन लोगों की भी कन्या राशि है राहु उनके 11th हाउस में और केतु 5th हाउस में आएगा। 11th हाउस हमारे स्वयं कमाए हुए लाभ का होता है, धन का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। और जैसा मैंने बोला कि राहु सडननेस का कारक होता है, यानी एकदम से अचानक मिलना, यानी आपको कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो मतलब आपको धन ही धन दे, जिससे आपको एकदम अचानक ही बहुत बड़ा लाभ हो, वो आपको बहुत फायदा मिलेगा कन्या राशि के लोगों को। यानी कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत खुशियां आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना भी होगा उनको जो भी कोई इच्छा है, जैसे मान लीजिए आपके मन में इच्छा है मकान बनाने की या अपना ऑफिस लेने की या जॉब चेंज करने की या नया बिजनेस खोलने की, अगर कोई भी आपकी इच्छा है, यानी वो 17 अगस्त 2017 के बाद वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं, आपको निरंतर लाभ मिलता चला जाएगा। राहु सडननेस का कारक है तो अचानक ही आपको उसका लाभ मिलेगा। तीसरी राशि दोस्तों मैं बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए पराक्रम कर्म स्थान पर राहु महाराज का गोचर आएगा, तुला राशि के 10th हाउस में राहु का जो गोचर आएगा उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो वो कर्म कर रहे हैं, यानी जो उनका प्रोफेशन है, उसमें अचानक कुछ सडन चेंज आएगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा, यानी चीजों को वो एनहांस कर पाएंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई साइनिंग अथॉरिटी है, तो अचानक प्रमोशन की भी संभावनाएं बनेगी, एकदम हेल्प मिलेगी। और ये 1.5 साल तक रहेंगे राहु महाराज, 1.5 साल तक आपने जितनी तरक्की करनी है, जो अपना प्रमोशंस लेने हैं, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो जो भी प्रयत्न करेंगे उनको पूर्ण उसका लाभ मिलता चला जाएगा। इसके साथ दोस्तों बात करूंगा अब मैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। चौथी राशि आ रही है कुंभ, यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो राहु और केतु का गोचर है वो क्या फल देने वाला है। उनके 6th घर के अंदर कहीं ना कहीं राहु महाराज गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए, उत्तम फल, कॉम्पिटिशन में उनको जीत दिलाएंगे, यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत फायदा होने वाला है, कॉम्पिटिशन में उनको जीत मिलेगी। अगर कोई मुकदमा, कोई रोग, कुछ ऋण कर्जा या शत्रुता की कुछ भी बातें चल रही हो या आपको कहीं ना कहीं तकलीफ मिली होगी,
तो ऐसे में ये जो राहु का गोचर आएगा 17 अगस्त 2017 के बाद जब परिवर्तन करेंगे वो सिंह राशि छोड़ करके बकरी होकर के, क्योंकि राहु के तो हमेशा बकरी चलते हैं, बकरी होकर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे ही आपके सिक्स्थ हाउस में वो प्रवेश कर देंगे और छठे घर से आ रही जितनी समस्याएं आपकी हैं वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी। कोई कर्जा है तो धीरे धीरे वो भी अगले 1.5 वर्ष में धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। अगर कोई मुकदमा या कोई कोर्ट केस, कुछ भी ऐसी कोई बीमारी आपको चल रही थी लॉन्ग टाइम से, अगर आपको तंग कर रही थी, तो वो भी अब खत्म होती चली जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।